हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे। हम लोग 25 नंबर प्रश्न तक देखे थे, आज हम लोग इस वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इन दिनों बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे हो गए हैं कि ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, आप सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो यार, वीडियो को लाइक कमेंट किया करो, नहीं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, घटना चक्र बुक को बंद कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि घटना चक्र बुक बंद हो जाए तो मैं वैसा ही करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होगा। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो घंटा को दिन को नीचे डालेंगे और 4 घंटा 30 मिनट का बात कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा। और बताना है प्रतिशत में, तो 100 ये पॉइंट हटाएंगे, 10, 10 से 10 ये कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 12 बार में, इसको 2 से काटेंगे 5 बार में, इसको 3 से काटेंगे 4 बार में, इसको 3 से काटेंगे 15 बार में। तो 15 × 5 = 75, अब बट्टा में 4, 75/4 को हम लोग लिख सकते हैं 18 × 74 = 75 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट 27 देखिए क्या कहता है। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, मान लेते हैं कि साइकिल का मूल्य 100 रहा होगा, अब 20% कम किया तो 80 पे बेचा होगा। फिर कहता है कि नई साइकिल में 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो अब 120 में बेचेगा, तो दुकान को क्या मिला ये बताना है। तो 20 से 20, ये 20 से 20, 12 × 8 = 96। हमने साइकिल ख़रीदा था 100 रुपया में और उसको बेचा कितना में? 96 में। तो कहीं ना कहीं हमने 4 रुपया कम में बेचा, तो 4 रुपया का क्या हुआ उसको? हानि हुआ। तो यहाँ प्रतिशत में आएगा हानि, ठीक है, 4% की कमी, एक नंबर। ओके, दूसरा तरीका है इसको बनाने का, कि पहले 20% की कमी किया गया तो माइनस में 20, फिर प्लस में 20% की वृद्धि किया गया, और प्लस माइनस माइनस होता है 20 × 20 और बट्टा में 100। देखिए 20 प्लस में 20 माइनस में कट गया, 10 से 10, 10 से 10, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, ये आएगा 4 माइनस में, तो -4%, यानी कि क्या हो जाएगा? हानि। ओके, आगे 28, एक ही आय का 80% 324 रुपया है, एक ही समय में यदि बी 486 रुपया कमाता है तो बी की आय एक ही आय से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है, ठीक है। एक ही आय का 80%, यानी कि एक ही आय का 80%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और है कितना? 324, यानी कि एक ही आय कितना हो जाएगा? 10 से 10, और 8 से इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पे इसको एक से इस प्रकार लिख लीजिए 32, और ये 10 उधर जाकर गुना हो जाएगा 40/8, 8 × 4 = 32, 0 × 8 = 40, यानी कि ए की आय हो गया कितना? 405, और बी की आय कितना हो जाएगा? 486, ठीक है। कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए कितना अधिक है, तो आप अगर घटाइएगा तो 81, ठीक है, 81 अधिक है, लेकिन अधिक है किससे? तो ए से, तो ए का कितना है? 405, और प्रतिशत में बताना है तो 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 81 से, ये 5 बार में कट जाएगा 8 × 5 = 40, और ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% अधिक है, प्रतिशत में 20% अधिक है, सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे 29, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा, पहले 10% की वृद्धि किया गया तो 110 किया होगा, फिर 10 की कमी किया तो 90 किया होगा, 20 से 20, 10 से 20, 11 नामा होता है 99। हमने माना था 100 रुपया, हो गया मेरा 99 रुपया, तो कहीं ना कहीं 1% का हमको क्या हुआ? हानि।
तो 1% की कमी। ओके, दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर वृद्धि करेगा तो प्लस में लिखेंगे और कमी करेगा तो माइनस में। ये 10 का वृद्धि प्लस में, ये 10 का वृद्धि माइनस में। प्लस माइनस माइनस, 10 × 10 = 100। 1 0 से 1 0, यहाँ 10 प्लस में माइनस में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 1%। ओके, आगे 30 नंबर, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो देखिए, इसका डायरेक्ट आप सूत्र भी, सूत्र तो ऐसे नहीं होता है, हम प्रोसेस बताते हैं कि 100 रुपया था और 20 की बढ़ोतरी हो गया तो 120, यानी कि कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, ठीक है। लेकिन कहता है कि कितना प्रतिशत कम कर दे, तो ये जो बढ़ गया है इसी को ना कम करेगा, कम करके कहाँ ले जाएगा, 100 पे ले जाएगा, तो 20 कमी करेगा कितना पे, बढ़ा हुआ मूल्य 120 × 100। 1 0 से 1 0, ये 10 बार में, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, यानी कि 50/3, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आता है, तो 16.67 जो कि बी नंबर है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, rate/100 + r × 100, ठीक है। ये एक सूत्र बनता है, ये सूत्र मेनली है कुछ नहीं, देखिए आर रेट कितना दे रखा है, 20% बढ़ा, अगर कमी होगा तो आर बट्टा, यहाँ पे कमी लिखाएगा, ओके 100 - r हो जाएगा, ठीक है, जब कमी दे रखा होगा तो। यहाँ वृद्धि है तो 100 + r, कमी होगा तो 100 - r। देखिए 31, आमों के मिलने में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आम का मूल्य क्या था, मान लेते हैं कि अभी, और जब कम कर दिया गया, ओके, तो अभी अगर 100 रुपया में कुछ बिक रहा होगा तो 20 की कमी किया गया तो 80 में बिकेगा, ये मूल्य है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 25 100, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा, तब मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, इसको 4 लगेगा तो इसको 5 लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि मात्रा में कितना अधिक खरीद रहा है, तो पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है यूनिट में। और यहाँ कहता है कि 12 आम अधिक खरीदता है, तो 1 यूनिट का मान 12 गो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था, तो कमी से पहले यानी कि वर्तमान में कितना था, 4 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 4 यूनिट का वैल्यू 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 गो आम। अब ये 48 आम उसने खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पैसा देखिए, पैसा अब मान के चलिए कि ये 48 गो आम खरीदा, और ये आम कितना में खरीदता है, तो 15 रुपया में, ठीक है। तो ये टोटल आम खरीदा उसने कितना, 48, तो 15 15 रुपया में उसने खरीदा कितना, 48 आम, इसी को ये आएगा कितना, पैसा में, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, 100 से गुना, तो क्या हो जाएगा इसको, 12 चौक 48, ये 25 चौका 100, यहाँ 3 बार में, सॉरी 3 चौका 12, यहाँ 5 तिहाई 15, 25 25 125, अब बट्टा में 4 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 31.25, यानी कि आम का जो पहले मूल्य कितना था, 31 रुपया 25 पैसा, एक आम का, ठीक है, 31 रुपया 25 पैसा, ये नंबर। ओके, आगे 32, कमीशन की दर 4 से 5% होने पे, पहले कमीशन 4% था लेकिन अब हो गया 5%, ओके। तो किसी भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत, तो देखिए 4 से हो गया 5, तो कितना का बढ़ोतरी हो गया, 1 का। अब इसको कमी करना है, कमी का प्रतिशत बताना है, तो हमको कमी करेंगे तो कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा 5 पे, और प्रतिशत में बताना है तो 100, 5 से काटेंगे तो 20%, यानी कि कमी, एकाएक जो कमी होगा वो कितना होगा, 20%, सी नंबर, ठीक है। आगे 33, देखिए, शक्कर की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। मान लेते हैं शक्कर की कीमत पहले 100 था, अब 40 की बढ़ोतरी हो गई, तो 140/100। अब कहता है कि कोई व्यक्ति जो 20% कम कर देता है, 20% कम करेगा तो 80 रहेगा, बस इसी को सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 8 × 8 = 11, यानी कि 100 से हो गया 112, अभी भी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, तो 12% की वृद्धि, ए नंबर। ओके, आगे 34,
किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि राजस्व वही बनी रहे तो वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ गया ये बताना है। देखिए कि मान लेते हैं कि पहले 100 था, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी लिखेगा कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि 100 रुपया था, किसी वस्तु पर टैक्स में 10 की कमी हो गई तो 90 पे बिकेगा। अब 100 का सामान हो गया 90, कितने की कमी हो गई, 10 की, और कमी जो हुई किस पे, 90 पे। देखिए हम डायरेक्ट आपको बताए थे ना कि आर बट्टा में 100 अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे, कमी रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस आर, यहाँ पे कमी है। आर कितना है, 10 बट्टा 100 माइनस आर, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, और प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 100 बट्टा 9, यानी कि 11 पूर्णांक 1 बट्टा 9%, 11 9 99, 100, जो कि ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। यही एक सूत्र है और कुछ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज पे जाइएगा, लैंग्वेज बहुत चीज़ बोलता है, उतना आप ध्यान मत रखिए, ठीक है, ओके। 35, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने निजी अब पहले जितने ही रकम बचा पाता है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया ये हमको बताना है। तो राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक है, आय उसकी 100 है तो उसने बचत कितना किया, 20%, यानी कि उसने खर्च कितना किया होगा, 80%, क्योंकि आय क्या होता है, आय जो होता है व्यय और खर्च बचत के मिलाकर जो होता है सो होता है, ठीक है। अब कहता है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब आय में 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले आय था 100 और 100 में अब 20 की वृद्धि होगा तो 120 हो जाएगा आय, 100 में 20 की वृद्धि 120 हो जाएगा। कहता है वह पहले जितना ही रकम बचाता है, पहले जितना बचाता था, पहले 20% बचाता था तो अभी भी 20% ही बचाता है, ठीक है। तो कहता है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो देखिए कि अभी भी 20% ही बचा रहा है, तो टोटल तो 120 था, तो अगर 20 बचा रहा है तो अभी इसका बचत खर्च कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि पहले वह बचाता था 80, अब बचा सॉरी पहले खर्च करता था 80, अब खर्च कर रहा है 100, तो कितना अधिक खर्च कर रहा है, 20 अधिक खर्च कर रहा है, कितना पे खर्च कर रहा है, 20 अधिक, कितना पे, तो पहले वाला जो भी मूल्य है 80 पे, और प्रतिशत में बताना है तो 100, 20 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि कितना जाएगा, 25%, यानी कि उसके जो खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, सी नंबर ऑप्शन, ओके। आगे 36 देखिए क्या कहता है, एक कियोस्को में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं मिलते हैं, कियोस्को की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है, ठीक है, शेक की बिक्री से जो है कियोस्को की 85% बिक्री आती है, ठीक है, और शेष जो भी होगा सो अन्य पदार्थ से आता होगा, ठीक है। 85% बिक्री सिर्फ शेक से आती है और बाकी बात जो अन्य पदार्थ है यानी कि अन्य स्वास्थ्य पेय हेल्थ कोल्ड ड्रिंक जो भी है उससे आती है, ठीक है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 रहे, ठीक है, 3 माह में उसका औसत बिक्री कितना था, 1,50,000, यानी कि मंथ का अगर निकालेंगे तो एक मंथ का उसका औसत बिक्री कितना जाएगा, 3 से उसको काटेंगे तो 50,000, ठीक है, एक मंथ का उसका बिक्री कितना है, 50,000। कहता है शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात करना है। अब शेक को छोड़ दे तो शेक से उसको 85% का आमदनी होता है, लेकिन शेक को छोड़ दे तो 50,000 रुपया का शेक, अगर 85% का बिक्री शेक से होता है तो अन्य से कितना होगा, 15%, तो इतना का 15% निकाल दीजिए, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, 15 5 75 00, यानी कि कितना आएगा, 7500, ए नंबर, ओके। आगे देखिए 37 क्या कहता है, प्रश्न है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, इंग्लिश में कितना है, 40% है, ओके। कहता है शेष पुस्तकों का 40% हिंदी में है, हिंदी में शेष का 40%, अगर इंग्लिश 40 है तो 60 का टोटल 100 होता है, ठीक है, टोटल 100 में 40 अगर इंग्लिश है तो शेष कितना बचेगा, 60, और 60 का 40% हिंदी में है तो 60 का 40% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि 24% क्या है, हिंदी में है, और शेष पुस्तकें उड़िया में है, यू से कर लेते उड़िया, 40 20 60 और 4 64 टोटल हो गया, तो 64 में कितना जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 64 76, यानी कि 36% जो है उड़िया में है, इसको अगर काटते हैं 4 से 10 चौके 40, ये 6 चौका 24 और ये 12 9 चौका 36, ओके। अब क्या कहता है
कि यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है, यानी कि हिंदी 6 यूनिट है और 6 यूनिट का मान 4800 है, तो हमसे पूछा है कि पुस्तकें हैं तो पुस्तकों की कुल संख्या बताना है। तो 4800 इंटू में टोटल कै गो पुस्तक है, 10, 6, 16, 9, 25, और एक यूनिट मतलब हिंदी कै गो था, 6 गो था, तो डिवाइड बाई 6, 6 से इसको काटेंगे, 8 6 48 यानी कि 800, तो 25 8 कितना होता है, 200 पर 40, मतलब कि कितना हो जाएगा, 20,000, देख लीजिएगा। ओके आगे 38, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितने प्रतिशत शेष तेल बचा। तो मान लेते हैं कि प्रतिशत में टोटल 100% तेल था, ठीक है, इसमें से 5% तो गिर गया, तो 5% घटा दीजिए, यानी कि 95% अभी भी उसमें तेल है, जो कि ए नंबर है। हमसे ये पूछता है कि उसमें कितना लीटर तेल है, तो जो भी 250 लीटर का हम लोग 95% निकाल देते, उतना उसमें तेल होता। ओके आगे 39, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दो है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है। देखिए कि कार जो है, मोटर कार में कितना है, 90%, और मोटरसाइकिल में कितना है, 15%। जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल होता है 105%, यानी कि कोई भी डाटा होता है 100%, लेकिन यहाँ क्या है, 105%, 5% एक्स्ट्रा है, तो ये जो 5% होगा वो क्या होगा, सबसे सबके पास कम से कम एक कार या एक मोटर कार या दोनों, यानी कि ये दोनों वाला होगा, ठीक है, कि दोनों के पास क्या होगा, या तो मोटर कार होगा या मोटरसाइकिल होगा। हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, तो मोटरसाइकिल वाला कितना है, 15 है, और मतलब कि उसका 5% जो है, यानी कि 5% दोनों है, तो 5 बटा मोटरसाइकिल वाला का है 15%, प्रतिशत के लिए 100, 5 3 आई, तो ये 300/3 मतलब कितना आ जाएगा, 33 पूर्णांक 1/3%। ओके देख लीजिए बी नंबर। आगे 40, देखिए एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघटन में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, अब यह कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा। अभी पहला क्या बढ़िया, 10 मीटर उछा, लेकिन 20% की कमी हो जाता है, तब 80 मीटर ही उछलेगा, मतलब 80% ही उछलेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि अब जो वो उछलेगा वो कितना उछलेगा, 8 मीटर, जो कि बी नंबर है। ओके आगे 41, वर्तमान जन्म दर प्रति हजार 32 है, ठीक है, जन्म दर, ठीक है, और मृत्यु दर 11 है, यानी कि जन्म ले रहा है 32 गो तो मर रहा है 11 गो, जनसंख्या बढ़ोतरी। अब देखिए कि जन्म लेगा 32 गो, मरेगा 11 गो, फिर भी जन्म जो पृथ्वी पर ले लेगा वो कितना अधिक ले लेगा, घटाइएगा तो 21 गो अधिक ले लेगा। ओके टोटल कितना पे, तो देखिए हजार पे बात चल रहा है, प्रति हजार, यानी कि 1000 पे 21 को जन्म ले रहा है, प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 2.1%, तो कितना वृद्धि है, 2.1%, पी नंबर। आगे 42 देखेंगे क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रजनन के कारण वर्ष में 0.5% की घटती है, 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बतानी है। तो देखिए पहले जो था 4% की वृद्धि हुआ, लेकिन उसी साल जो है कहता है कि प्रजनन के कारण वर्ष में ही 0.5% की घटती है, यानी कि 0.5% की क्या हो गया, घट गया, यानी कि नेट उसका बढ़ोतरी कितना हुआ, 4 में से 0.5 घटाएंगे तो 3.5 की उसको बढ़ोतरी हुई। ओके और ये बढ़ोतरी कहता है कि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की हुई ये हमको बताना है। तो मान लीजिए कि 100 रहा होगा, ठीक है, अब 3.5 3.5 3.5 कितने वर्ष की बढ़ोतरी हुई, 3 वर्षों तक, तो इसको लिख सकते हैं 100 में जोड़ेंगे तो 103.5% के लिए 100 इंटू में 103.5/100 के लिए 100 इंटू 103.5/100 के लिए 100, ये 0.10, ये 0.10, ये 0.10, ठीक है। अब इतना को आपको गुना करना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दुना 10, 0 7 5 35, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दुना 10,
इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 207 बार में, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10, यहाँ 200, इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 207 में, इसको अगर काटेंगे तो 2 से ये कटेंगे, यहाँ भी 200, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 207 गुना 207 गुना 207, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 88,69,743 डिवाइड बाई 8/4, 2 2 4 2 4 2 8/4। इसको जब भाग करेंगे, ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 88,69,743 भागा, इसको जब भाग कीजिएगा तो आएगा 110.87, ठीक है, 110.87। हमने माना था 100, हो गया 110.87, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, 10.87% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि डी नंबर है। ओके, तो इतना आपको करना होगा। ये कैलकुलेटिव प्रश्न था, रेलवे क्यों इतना कैलकुलेटिव दे देता है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, ये बहुत पहले पूछा हुआ प्रश्न था, अभी इतना कैलकुलेशन वाला प्रश्न नहीं देगी। चलिए आगे देखिए, 43। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। देखिए कि टोटल होता है 100%, जिसमें कहता है कि पास है 65%, तो फेल कितना होगा, 35%। अरे पास है 65 तो फेल कितना होगा, 35%, यानी कि 35% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 420। तो हमसे पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल तो होता है 100%, तो 100% निकाल दीजिए, एक्स 420 गुना 100/35, 7 5 7 6, 5 से ये 12 5 60, यानी कि 1200, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200, सी नंबर। आगे देखिए 44। किसी आयत की चौड़ाई ए और लंबाई बी है, चौड़ाई यदि 20% कम कर दिया जाए और लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कहता है क्या, लंबाई में 10% बढ़ा देगा तो 110 कर देगा, चौड़ाई में कहता है कि 20% कम कर देगा तो 80 कर देगा। अब देखिए इसके लिए भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100, इसके लिए भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 11 8 88/100, यानी कि 0.88 हो जाएगा क्षेत्रफल, 0.88 मतलब ए नंबर। ओके चलिए नेक्स्ट, 45। एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है, बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। कहता है कि लड़के का 20% एवं लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, वजीफा धारक या फिर कुछ होगा, ठीक है, हमको नहीं पता है। तो जो नहीं है उसका प्रतिशत बताना है, तो नहीं है उसका प्रतिशत बताना है, 20% है तो 80% नहीं होगा, इसका ये 25% है तो ये 75% नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग 00 अपने मन से मान लेते, ठीक है। देखिए कि 300 का 80% अगर निकालेंगे, जो कि वजीफा अध्यापक नहीं है, तो 80% हटाएंगे तो 100, प्लस 200 का 75% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और ओवरऑल है कितना, टोटल 3 2 500, ठीक है, यहाँ 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 3 24, 240, 75 2 150, 150 और 240, 200 1 390 बट्टा में 500, और प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0, 5 से इसको काटेंगे, 7 5 35, 4 0 8 5 40, यानी कि 78%, देख लीजिए ऑप्शन में, ए नंबर। ओके आगे 46। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी, लड़कों का मध्य प्राप्तांक 40% हुआ था, लड़कियों का मध्य प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक कितना था ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 85 को लड़का है और लड़का का और जो मध्य प्राप्तांक है 40 डिवाइड बाई 100% के लिए, लड़की है 35 और मैं 35 का 60% है डिवाइड बाई 100, और ओवरऑल टोटल लड़का एवं लड़की था कितना, 85 और 35, 85 5 90 और 3 120, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल क्लास का निकल जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 17 5 85, 5 2 10, 2 2 4, 7 5 35, 5 2 2 से ये 3 बार में, यानी कि 17 2 34 और प्लस
सात्री 21 बट्टा में 120, ठीक है। और प्रतिशत के में बताना है तो गुना 100, 10 से 10, 34 एक 35 और 20 65, 35 10 45 10 55 सॉरी, ठीक है, 55 बट्टा 12 इंटू में 10, ये 5 बार में, ये 6 बार में, यानी कि इसको अगर भाग लगाएंगे 6 से तो 6 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48 फिर 7.70, 7 5 और 2 7, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, यानी कि 8.8 मान लेते, इसको गुना कर दीजिए 8 5 40 के 0.,, 8 5 40 और 4 44, यानी कि 44 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 44 पॉइंट समथिंग के पास में एक सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 45%, ठीक है। जब इसको आप सीधी सी बात है कि 55 गुना 5 कीजिए, 50 25, 50 25 और 2 27, अब इसको 8 से भाग कीजिए, सॉरी 8 नहीं 6 से, 6 चौका 24, फिर कितना हो जाएगा 24 3 5, फिर 6 चौक 24, 6 24, फिर 3 5 6 1 36, 6 5 30 पॉइंट, फिर 5 0, 8 6 48, यानी कि 85.8 आएगा, ठीक है, 45.8। ओके आगे देखिए 47, एक परीक्षा के एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अब देखिए कि 40% अंक जो है पासिंग के लिए, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए था, लेकिन कोई स्टूडेंट जो है 133 से अंक लाया, 133 अंक लाया और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अगर इसको हम 67 अंक दे दें तो ये पास कट जाएगा, ठीक है, तो इसमें 67 को जोड़ दीजिए, 100% आपसे पूछा पूर्णांक, तो एक्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 100 गुना में 7 3 10, 6 3 9 1 10, 1 और 1 2, डिवाइड बाई 40, 10 से 10, 40 5 यानी कि 50 गुना में 100, 500, यानी कि कुल कितना पेपर का था, 500 पेपर का, सी नंबर। ओके आगे 48, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे, यदि वोटों की कुल संख्या 75 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए कि 75,000 जो था कुल संख्या था, जिसमें किसी के जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 45% मिला होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 20% वोट अवैध थे तो वैध वोटों की संख्या 80 हो जाएगा, बस इसी को काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15 5 75, 5 2 10, 2 से ये 4 बार में, 15 चौका 60 गुना 45 कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 के 0, 6 चौका 24 और 24 और 3 27, यानी कि कितना वोट मिला है हारने वाले को, 2700, जो कि ए नंबर है। ओके आगे 49, एक्स तथा वाई के वेतन का योग्य 200 है, सॉरी 2000 है, एक्स प्लस वाई का वेतन का योग्य कितना है 2000, कहता है कि एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो उनकी बचत समान है, तो वाई का वेतन बताना है। देखिए कहता है कि एक्स अपने वेतन का 95%, एक्स का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा। देखिए एक्स अपने वेतन का 95 यदि खर्च किया तो ये 5% बचत करता होगा, और वाई जो है अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो वाई का बचत कितना जाएगा 15%, और इन दोनों का बचत जो है क्या कहता है समान है, तो समान कर दिए, इसको अगर हम लोग काट लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत 5 3i, यानी कि एक्स का वैल्यू होगा जो वाई का कोएफिशिएंट होगा 3 और वाई का वैल्यू होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा 1। ओके यहाँ पे इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 3, इसके साथ एक कांस्टेंट लगा दीजिए के, यानी कि दोनों का वेतन का योग्य इतना दे रखा था तो 3k + k = 2000, 3 और 1 4k = 2000, यानी कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। ओके के का वैल्यू निकल गया 500, हमसे पूछा है वाई का वेतन क्या था, तो वाई का वेतन कितना था, वाई का बचत है, अगर वाई का ये जो बचत है के बराबर है 500, हमको यही जो होगा 500 ही आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन 500। ओके यानी कि वाई का यूनिट है, एक ही यूनिट है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। ओके आगे 50, देखिए
एक आदमी की कुल आय 5200 है, यदि उसमें से 3000 रुपया कर मुक्त है, 3% की दर से आयकर देने के बाद उसे शुद्ध आय क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, देखिए कि 5200 रुपया जो है उसका कुल आय है, इसमें से कि वह 3000 रुपया कर मुक्त है, मतलब 3000 रुपये उसको कोई कर नहीं देना पड़ता है। अब 3% की दर से आयकर देने के बाद, अब उसको 3% की दर से आयकर भी देना है, तो देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी ये हमको बतानी है। तो 3000 को इसको पहले क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, तो इसको कितना पे आयकर देना होगा, तो 5200 में से 3000 घटा देंगे तो उसको आयकर देना होगा 2200 पे। ठीक है, 2200 पे उसको आयकर देना होगा, आयकर है कितना 3%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0 यानी कि 66 रुपया उसको आयकर देना होगा। तो टोटल 5200 में से उसको 66 रुपया को घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3 और 2 यहाँ पे 51, यानी कि टोटल उसका जो शुद्ध आय हो जाएगा 5134 रुपया, जो कि सी नंबर है। ठीक है, कुछ नहीं था, कह रहा है कि एक आदमी जो है 5200 रुपया उसका कुल आमदनी है और उसको 3000 रुपये पर कर जो है मुक्त, मतलब 3000 पे उसको कोई कर नहीं देना है, तो यानी कि उसको 2200 पे 3000 हटाकर जो 2200 बचा उसी पे कर देना है, वो भी कर कितना है 3%, 3% निकाले 66 रुपया कर आया, बस टोटल अमाउंट पे से घटा दिए। ओके, आगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होगा। ठीक है, और आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।